तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ इंटरलोक मार्केट, थर्सडे पीर बाजार। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आया है नया। आई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और लास्ट तक देखना। ये मैं आ गई हूँ और यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है क्योंकि मार्केट लगने नहीं दे रहे हैं दिवाली की वजह से। तो यहीं पर ये मेरे को एक छोटी सी बच्ची मिली, उसने लगा रखे थे 50-50 रुपये के दुपट्टे, और दुपट्टे अच्छे थे, नो डाउट। ये तो प्योर का लग रहा था दुपट्टा, लेकिन 50-50 रुपए का ही दे रही थी। और एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे थे, पूरा एम्ब्रॉयडरी हुआ था दुपट्टे के ऊपर, देखिए आपके सामने ही है। तो मुझे सही लगा, मतलब आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, तो कभी भी कुछ भी मिल सकता है यहाँ पर। तो आप थर्सडे मार्केट आओ तो आप इन पटरियों पर ज़रूर एक बार ही चेकआउट करना, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया सामान मिल जाता है और बहुत ही कम प्राइस में। जैसे कि ये बेच रही हैं आंटी, क्योंकि पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे थे तो बेचारे उठा उठा के भाग रहे थे अपना झोला। तो ये मेरे को साइड में मिली बैठी हुई, तो इनसे मैंने ये देखा, इसकी मैंने क्वालिटी देखी तो ये ऊपर वाले की तो बेकार थी, बाकी ये स्टील के जो टिफ़िन हैं इनकी क्वालिटी ठीक थी, एकदम एयर टाइट थे। तो ये मेरे को सही लगे तो मैंने भी एक ले लिया, मैं चलो ले लेती हूँ। बाकी भैया एक बीड़ा लगा के यहाँ पर ये भैया बैठे हुए थे, ये 100-100 रुपये का दे रहे थे, सेट भी 100 रुपये का और चूड़ा भी पूरा 100 रुपये का। तो अभी करवा चौथ है, इस चक्कर में बहुत भीड़ थी, सब लोग चूड़े एक एक दो दो तीन तीन चूड़े ले रहे हैं सब, मतलब पूरे पूरे घर के लिए चूड़े ले रहे थे कि चार देवरानी जिठानियाँ हैं तो चलो भी ले लो, सबके लिए ले लो, इस तरह से चल रहा था वहाँ पर। और यही भैया बैठे हुए थे दिए लगा के जो पानी से जलते हैं, तो ये 100 रुपये के 8 दिए दे रहे थे और शिवलिंग दे रहे थे 40 रुपये का। तो ये भी सही है, तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी डालो और दिए जला लो। बाकी 100-100 रुपये के अगेन सेट मिल रहे थे वही वाले, और बहुत ही रश था, बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि मार्केट लग नहीं रही थी और यही उठा उठा के लोग भाग रहे थे। तो जहाँ पे भी रुकते थे वहीं सब लेडीज़ आके है ना बहुत भीड़ लगा लेती थी। और ये आ गई रेड़े पे भैया, एक ये मिले करवे बेच रहे थे जो 50 रुपये का एक दे रहे थे। अगर आप मिट्टी के लेते हो पूजा के लिए तो ठीक है, नहीं तो आप पूरी प्लेट ले सकते हो। और सदर बाज़ार में तो 100 रुपये के अंदर थाली के साथ करवा और मतलब पूरा सजावा मिल जाएगा आपको, तो आप सदर बाज़ार भी जा सकते हो। और ये गिलट की जो पजेब मिल रही थी 100-120 रुपये की, ये लोग चांदी के बोलते हैं कि चांदी की नहीं होती है, ये गिलट की होती है। तो आपको अगर पहनते हो इस तरह की तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और ये अंकल थे जो बिल्कुल सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, मैंने चुपचाप से इनकी वीडियो बना दी सेट की, ये 200 रुपये का सेट दे रहे थे। अंदर मार्केट के अंदर आते ही मिलेंगे। और ये देखो आप मार्केट कैसी खिली खिली सी मार्केट हो रही है, क्योंकि कहीं कहीं लग रही थी मार्केट, कहीं नहीं लग रही थी क्योंकि पुलिस वाले बिल्कुल लगने नहीं दे रहे थे। ये देखो कैसे उठा उठा के भाग रहे थे सब लोग। और यही भैया यहाँ पर इन्होंने कॉटन की साड़ियाँ दे रहे थे 200-200 रुपये की, जो कि आप अगर मतलब टीचर हो या ऑफिस के लिए चाहिए तो आप यहाँ से 200-200 रुपये की साड़ी ले सकते हैं। ये वीरवार को ही आपको आना पड़ेगा इसके लिए, जो पटरी की मार्केट होती है उसके लिए वहीं पे ही आपको ये सब चीज़ मिल जाएगी। अगेन सामने भैया चूड़ी वाले बैठे थे तो 30-30 रुपये की चूड़ी बेच रहे थे, कांच की चूड़ी थी तो ये 30-30 रुपये की भैया चार्ज कर रहे थे। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि दीदी 100-100 रुपये वाली साड़ी दिखाओ, तो मैं एक बात बोल देती हूँ, नेट की साड़ी तो नहीं मिली, उन्होंने नेट की साड़ी बोली थी। ये बच्चे प्रिंटेड साड़ियाँ हैं जो कि 100-100 रुपये की मिल रही थी वीर बाज़ार में ही इंद्रलोक, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब कराया और मेरे को बोला था साड़ी के लिए, तो चलती हूँ मैं आगे। बाकी जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये भैया जो कि मैंने पहले भी इनको अपने वीडियो में लिया हुआ है, तो ये 50 रुपये का ही सारा जो भी मेटल का सामान होता है वो 50-50 रुपये का भैया चार्ज करते हैं। और अगेन ये चूड़ी वाले भैया बैठे थे, वेलवेट चढ़ी हुई थी चूड़ी पे, कांच की चूड़ियाँ थी उन पर वेलवेट चढ़ा हुआ था, वो 50 रुपये का भैया यहाँ पर चार्ज कर रहे थे। और ये पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको 150-150 रुपये के ये पर्स दिखाए थे, लेकिन अब की बार भैया ने 100-100 रुपये के लगा रखे थे, तो ये 100-100 रुपये के पर्स अच्छे थे, आप ले सकते हो। और ये जो नाम आया है उसी के नीचे ही बैठे हैं, और वहीं उसी के साथ वाली गली के अंदर ही मैं जा रही हूँ अंदर, तो यहीं पे कॉर्नर पे भैया ने 100-150 रुपये 200 रुपये पजामे लगाए हुए थे। तो वो आप जिस तरह का आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो।
ये वाइट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बच्चा छोटा बच्चा है तो आप उसके लिए ले सकते हो। यही इसी के साथ ही ये भैया बैठे थे एक शॉल वाले, इनको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में लिया हुआ है, तो ये 300-300 रुपये का शॉल देते हैं। तो बार्गेनिंग आप कर सकते हो, जो अगर जिस तरह का भी आपको करना है तो ये 250 रुपये शायद आपको लगा लेंगे, क्योंकि बार्गेनिंग होती है। ऐसी कोई वो नहीं है कि आप मार्केट आ रहे हो और आपको बार्गेनिंग नहीं है, बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए, बार्गेनिंग अच्छे से होती है। और ये आंटी थी यहाँ पर, ये 250 रुपये की बेडशीट दे रही थी, मगर पिलो इसके साथ नहीं है, डबल बेडशीट, डबल बेड की बेडशीट है, तो ये आपको 250 रुपये की चार्ज करेंगी। पिलो आप आगे मिल जाएंगे, पिलो आप ले सकते हो। और बाकी पिलो वाली जो थी वो 350 रुपये की सामने लगी हुई है, ये थोड़ी सी अच्छी थी, विथ पिलो है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी अब मैं आगे आगे जाती जाऊँगी तो आपको दिखाती जाऊँगी। तो ये है 300-300 रुपये के आपको सूट पीस मिल जाएंगे इस तरीके के, मतलब हैवी नहीं है, लाइट थ्रेड वर्क है, तो और ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। और एक साथ ही भैया के ये शॉप है, ये लहंगा बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये भैया 7000 रुपये इसका चार्ज कर रहे थे, और एकदम बढ़िया स्टोन वर्क हुआ हुआ है, जरी वर्क हुआ हुआ है इस पर, थ्रेड वर्क, मतलब जितने ही वर्क होते हैं ना वो सारे भैया ने इस पर कर रखे थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। और ये भैया की शॉप का नाम है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, बार्गेनिंग कर लेंगे, मतलब अच्छे से हो जाएगी बार्गेनिंग। और यहीं पे साथ में अंदर गली है, उधर ही भैया ने कॉर्नर पे ये लगाया था, ये एलेक्सा है, लाइट वाली एलेक्सा, तो ये भैया इसके 400 रुपये चार्ज कर रहे थे, और ये जो लैंप रखे हैं इनके 300-300 रुपये भैया चार्ज कर रहे थे, लेकिन ये चार्ज नहीं थे, तो उन्होंने चार्ज लगा रखा था, चार्ज नहीं थे तो इस वजह से अच्छे से दिखा नहीं पाए वो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है आपको, तो वही चीज़ है सब, इसमें लाइट जलती है और अलग अलग कलर आते हैं, मतलब लाइट किया तो आप लैंप लगा सकते हो आप घर के अंदर, टेबल पे, साइड टेबल पे, इस तरह की कम लाइट के लिए आप ये लैंप लगा सकते हो। बाकी ये चॉपर था, ये भी 400 रुपये भैया इसका चार्ज कर रहे थे, ठीक था चॉपर, बस चॉपर ही था, इसके साथ बड़ा मिक्सर नहीं था, जो जूसर होता है, सिर्फ एक ये ही जो चॉपर है वो ही था, बस ये छोटा वाला ही, तो इसके 400 रुपये भैया चार्ज कर रहे थे, तो ये आप देख लेंगे। बाकी फिर मैं उस गली से वापस आ गई हूँ, तो ये यहाँ पर ये लगे हुए थे 150-150 रुपये में, कार्डिगन स्वेटर टाइप्स ये लगा रखे थे। अभी आगे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो अभी थोड़ी थोड़ी सी सर्दियाँ ना, तो उस हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया मिल रहा था और एकदम फ्रेश था, जो कि मैंने देखा। तो मैं अच्छा ही चीज़ बताऊंगी आपको, गलत होगी तो मैं आपको बिल्कुल मना कर दूंगी। तो मेरे को ठीक लगा, फ्रेश लग रहा था बिल्कुल, तो एकदम ऐसा भी नहीं था कि रूमे निकल रहे हैं या धागे निकल रहे हैं, नहीं, बहुत ही बढ़िया स्टफ़ था, तो अच्छा था, सॉफ्ट मटीरियल था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं थर्सडे वाले दिन आके। बाकी यहाँ पर फिर मैं आगे गई, इस गली से बाहर निकल रही हूँ, तो साइड में एक आंटी बैठी हैं, भाई साहब इन्होंने तो जो रेट लगा रखे हैं बहुत ही ज़्यादा लगा रखे थे। मैं नहीं बोलूँगी किसी को भी कि यहाँ से ले, बस इसी डब्बे के 100 रुपये बताएँ, बाकी इन्होंने जितनी भी चीज़ बताई है उसके रेट ज़्यादा ही बताएँ। ये 450 रुपये का लंच बॉक्स बताया था इन्होंने, ये तो मेरे को 450 रुपये भी, इसके भी ज़्यादा थे। ये 400 रुपये की ये ड्राई फ्रूट की ट्रे थी, वो भी ज़्यादा थी, क्योंकि प्लास्टिक की थी, कुछ नहीं था, नॉर्मल थी। बाकी ये बॉटल थी टेम्परेचर वाली, 150-150 रुपये की मिल जाती है, ये 250 रुपये की दे रही थी, तो मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद सामने ये कंबल वाले भैया एज वेल थे ही नहीं, और फिर उसके बाद ये साड़ी थी भाई, 300-300 रुपये की इतनी हैवी साड़ी थी, पूरी हैवी साड़ी, जो कि आप मतलब 2200-2200 रुपये की मिलती है ना जॉर्जेट में, क्रेप में साड़ी, हैवी साड़ी थी, और इस तरह की आपको सिल्क की साड़ी मिल जाएगी सिर्फ 300 रुपये की। ये मुझे बढ़िया लगी, मतलब आप 300 रुपये वर्थ था कि आप दे सकते हो, वर्थ क्या, बहुत ही बढ़िया थी, 300 रुपये में तो इतने सस्ते में आपको साड़ी मिल रही है। वहीं से मैं आगे निकली हूँ, तो आगे निकलते ही मेरे को सूट पीसेस मिल गए हैं, अगर अच्छे एलिगेंट सूट पीसेस अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। सेट है पूरा, जिसमें दुपट्टा, पजामा और सूट में मतलब कपड़ा मिल जाएगा, मटेरियल है ये, तो ये पूरा आपको यहाँ पे सेट मिलेगा। और ये भैया की शॉप ही है, और इसमें भैया ने हाथ में एक गाउन ले रखा है, 5000 रुपये का भैया चार्ज कर रहे थे, बार्गेनिंग कर लेंगे आप जाओगे तो। गाउन मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत हैवी गाउन था इसका, भैया बोले ये साइड में लगा हुआ है,
तो ये वाला गाउन इसका देख लीजिए, ये थोड़ा सा इस तरीके से इसका वर्क है और डिज़ाइन है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। भैया अच्छे से दिखा नहीं पाए क्योंकि उनके कस्टमर लगा हुआ था। आगे चलेंगे तो आपको आगे बेडशीट मिल जाएगी, ये 150-150 रुपये की भैया बेडशीट चार्ज कर रहे थे। बेडशीट को क्या बोलूँ मैं, ठीक थी, मतलब जो पैर में फंसती है ना वो वाली बेडशीट थी, जिनकी थोड़ी सी एड़ी अगर खुदरी सी होती ना तो फंस जाती, वो वाली बेडशीट थी जो 150 रुपये की भैया दे रहे थे। देख लेना, सही लगे तो ले लेना। बाकी ये डोर मैट अच्छे थे, बाथरूम के आगे बिछाने के लिए बहुत ही बढ़िया थे, पानी पूरा सोख लेंगे, अच्छे डोर मैट थे। और ये 300-300 रुपये के अगेन भैया यहाँ पे सूट पीस बेच रहे थे। और जो सामने पीछे लगा हुआ है इसका भैया 1000 रुपये चार्ज कर रहे थे ये सूट पीस का। अच्छा हैवी सूट पीस था पूरा, तो अच्छा भी लग रहा था, तो इसका भैया 1000 रुपये चार्ज कर रहे थे। और जो नीचे बेच रहे हैं, ये नीचे रखे हुए हैं, इनके भैया 700 रुपये बताए थे भैया ने, कि 700 रुपये का कोई भी आप ले सकते हो। तो अच्छा मटेरियल था, जॉर्जेट क्रेप इस तरह के मटेरियल में था। और उसी के सामने ही भैया ने ये लगाए हुए 500-500 रुपये के प्रिंटेड सूट कॉटन के, ये आप ले सकते हो, जो आपको और जगह मिल जाएंगे 900 रुपये तक का मिलेगा और जो मैंने देखे हैं। बाकी यहाँ पर ये भैया 500-500 रुपये चार्ज कर रहे थे। अच्छा पूरा पैनल पे काम है, ये देखिए पूरा पैनल पे काम है इसके फ्रंट में आगे, और दुपट्टा भी अच्छा प्रिंटेड है, पूरा हैवी प्रिंटेड दुपट्टा है, ये नहीं कि चारों तरफ ये पूरा हैवी है, बीच में भी उसके प्रिंट है, तो अच्छा लग रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और भी आपको सूट्स मिल जाएंगे प्रिंटेड एम्ब्रॉयडर्ड, ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट भी हैं, उनके 700-800 रुपये इनके प्राइस हैं। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, बस एक ही गली के अंदर जाना, वहीं से सीधे हमें चलते जाना है। और एक ये भैया की शॉप है, तो इनके पास भी लहंगे मैंने जो भी प्राइस है इनके लिख रखे हैं, ये 2200 का है, वो 3200 रुपये की लाइन है, ये नीचे 800 रुपये के हैं, और बाकी अंदर लगे हुए हैं। ये थोड़े से मतलब थोड़ा महंगा लगा, बार्गनिंग कर लेना आप, क्योंकि पहले ही इन दुकान से मैंने दिखाया है तो भैया ने जो नीचे ढेरी में लगाए हुए थे वो 500-500 के अभी 800 रुपये के कर दिए, शायद त्यौहार की वजह से। बाकी आप देख लेना, आप बात करोगे तो शायद भैया कर लेंगे। और ये भैया हैं, इन्होंने पूरा अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, आगे वीडियो में आपको दिख जाएगा। और ये देखो पूरा अच्छी दुकान, नंबर बता दीजिए, 9956882808। ठीक है भैया, थैंक यू। वीरवार को खुलते हैं सुबह 10 बजे से बाजार, वीरवार को ही लगाते हैं। ठीक है, तो बस अब आप आके देख सकते हो, यहाँ पर पूरा आपको मिल गया होगा। और ये 500-500 रुपए के यहाँ पर सूट मिल जाएंगे, पीस नहीं है, पूरा सूट है बना हुआ पजामे के साथ। आपको इसी में ही ड्रेस मिल जाएगी लॉन्ग, इसी में ही आपको लहंगा मिल जाएगा जो कि 500-500 रुपए का। तो ये भैया की शॉप के बिल्कुल सामने लगा हुआ था, तो इसमें आप 500-500 रुपए में आके यहाँ पे देख सकते हो। ये भैया ने कुछ मेरे को एक आध दिखाए भी थे, ये देखिए एक मेरे को सूट दिखाया और एक ये ड्रेस दिखाई है भैया ने मुझे। तो ठीक है 500 रुपए में, तो मतलब ठीक है, सही लगा 500 रुपए का, अच्छा हैवी है पूरा, तो आप 500 रुपए में यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी त्यौहार शुरू हो रहा है तो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। और इसके ही सामने एक शॉप है, उसमें ये लगे हुए थे 1500-2000-2200-2500 की रेंज के अंदर, यहाँ पे आपको हैवी सूट्स लहंगा ड्रेसेस मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। उसी भैया के अगली दुकान पे ही है ये, जैसे ये ड्रेस लगी हुई है और ये वाइट सूट लगा हुआ है, ये अच्छा था पूरा प्लेन, लेकिन गले पे और नीचे पैनल पे इसके वर्क था अच्छा वाला। और उसके थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये एक दीदी बैठी है, ये मतलब जूतियाँ बेच रही थी, पंजाबी जूतियाँ, जो बच्चों की थी वो 100 रुपये की और जो बड़ों की है वो 150 रुपये की, और अच्छी वर्क वाली थ्रेड वर्क वाली जूतियाँ थी, और इसमें प्लेन भी मिल जाएगी आपको। उसी के सामने भैया 400-400 रुपये की साड़ी सेल कर रहे थे, इन्होंने 400 रुपये मुझे प्राइस बताया है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। मुझे भैया बता रहे थे कि 400 रुपये, मेरे को ये ठीक लगी, ये मजेंटा कलर ब्लैक के साथ ठीक है। तो आप आके आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको किस टाइप की साड़ी चाहिए। साड़ी में मैं और वैरायटी भी दिखा रही हूँ आपको, बहुत सारी वैरायटी है इस बारी साड़ी सूट्स में, बहुत वैरायटी है।
और प्राइस भी सबके 400 रुपये 300 रुपये इसी रेंज में है। और उसी के मैं वापस बाहर आ गई हूँ तो ये मेरे को 150 रुपये का टावल है और वो ब्राउन वाला 100 रुपये का टावल, ये 150 रुपये वाला जो था वो सॉफ्ट था। उधर से मैं आगे आ गई, दो दुकान छोड़ के सामने तीसरी दुकान ये भैया की, इसमें 300-300 रुपये की कॉटन की बहुत ही बढ़िया साड़ी थी कॉटन की। अगर आप स्कूल टीचर हैं या ऑफिस में पहनते हैं कॉटन की साड़ी तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी थी कॉटन की साड़ी की। उसी के साथ ये सूट्स थे, सूट्स भी आप देख सकते हो, सूट्स भी बहुत ही बढ़िया थे, एकदम प्रिंटेड और बढ़िया सॉफ्ट मटेरियल था, कॉटन के ही थे। और प्राइस मैंने सामने लिख रखा है 300-350 रुपये में ये सूट्स थे, तो अच्छे लग रहे थे, मतलब अच्छे हैं, आप पहन सकते हो अच्छे, मतलब सूट्स चाहिए तो जो रिच लुक दे वैसे सूट थे। और एक ये भैया ही सामने लगा रखे हैं, ये 250 रुपये का क्या बोलते हैं सिल्क के अंदर कुर्ता था, बहुत ही सुंदर लग रहा था और ये चिकन का वर्क हुआ हुआ है इस पर, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसमें कलर भैया के पास और थे, एकदम शाइनी मटेरियल था तो अच्छा है, आप वाइट पजामे के साथ इसको वेयर कर सकते हैं। उसी के साथ ये भैया ने लगा रखे 300-300 रुपये के, ये तो ठीक थे बस, मतलब वो जो 250 का कुर्ता था ना वो ज़्यादा बेस्ट है, उसके साथ आप वाइट पजामे के साथ वेयर कर सकते हो, ये ठीक है। अगर इस तरह का आप पहनते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो इन भैया से। अब मैं इधर से आगे निकल गई हूँ, बस एक ही लाइन में हमें आगे आगे चलना है, आमने सामने आपको यही शॉप्स मिलेंगी और उन्हीं से ही पूछते जाना है। जैसे ये बैठे हैं भैया लिपस्टिक वाले, इनके पास जो लिपस्टिक है काफ़ी वैरायटी थी, और 50 रुपये 100 रुपये 80 रुपये मतलब अलग अलग प्राइस था, 10 रुपये से इनके पास शुरू हो जाती है, जैसे लिप पेंसिल वगैरह हो गई तो वो सब चीज़ आपको कॉस्मेटिक का जो भी सामान होता है वो इन भैया की छोटी सी दुकान के अंदर आपको मिल जाएगा, भैया को बोलेगा वो अच्छे से दिखा देंगे। आगे आए, आगे भैया ने 350-300 रुपये के अंदर हैंगर में लगा रखे थे, अच्छे कुर्ते थे, पूरा सेट था। और यही कुर्ते जो मीशो पे और अमेज़ॉन पे लोगे तो आप इसको, आपको ये महंगे मिलेंगे। इनकी जो विशाल मेगा मार्ट पे जो इसका प्राइस था वो 999 है, जो कि इसमें मेंशन हुआ हुआ है, लेकिन ये भैया 350 रुपये का दे रहे थे। ये मैंने विशाल मेगा मार्ट की वीडियो के अंदर भी अच्छे से इसको दिखाया हुआ है, मेरे को यही कुर्ते मिले और इन भैया ने इन कुर्तों के भी प्राइस कम कर दिए, 450 कर दिए। पहले भैया 650 समथिंग लगा रखा था, पहले वीडियो के अंदर मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन अभी इन्होंने कम कर दिए, तो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं, हाँ पूरा सेट मिल जाएगा आपको और अच्छे प्राइस के अंदर। ये है अमूल का बोर्ड है, उसी के बिल्कुल सामने है, बाकी एक और मैं ये सामने बोर्ड है, आप इसको जूम करके इसका एड्रेस ले सकते हैं। उसी के साथ ही भैया चप्पल वाले भैया बैठे हैं, तो इनके पास ये हैवी स्टोन का वर्क हुई हुई चप्पल थी, ये 200-200 रुपये भैया चार्ज कर रहे थे, और बैली थी पंजाबी जूतियाँ जो बोलते हैं वो भी इनको 200-200 रुपये भैया चार्ज कर रहे थे, और इसमें ये प्लेन वाइट भी थी ये भी 200 रुपये। तो आप इसके साथ मतलब सूट के साथ आप चप्पल भी वहीं से ले सकते हैं। तो ये मैंने अमूल का बोर्ड दिखा दिया, अब मैं उसी की तरफ मुड़ने लगी हूँ। तो ये भैया बैठे हैं यहाँ पे अंडर गारमेंट्स बेच रहे हैं, ये भी करोल बाग में भी बैठते हैं, तो आप देख लेना, अगर समझ में आती है तो आप इनसे ले लेना। बाकी 250-250 रुपये में आपको इस तरह के मतलब सूट पीस मिल जाएंगे, तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं अपने लिए तो आप ये यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाती हूँ, ये ब्लैक सूट है ना, ये भैया बोल रहे थे मेरे को 1400 रुपये, ठीक है, मैंने इनसे पूछा 1400 रुपये, नीचे वाले बोल रहे थे 750 रुपये। अभी आपके सामने एक दुकान नया सूट, ये भैया आ गए पर्दे वाले, इनके साथ ही बैठे, तो ये भैया 250-250 रुपये के पर्दे दे रहे थे, और ये ऊपर वाले 450 रुपये और गेंदा में है ऊपर वाले, थोड़ा सा चालू कपड़े में 200 वाले। अब ये साथ में ही भैया दूसरी दुकान है, ये 1500 रुपये का कुर्ता दे रहे हैं, इनके अलग अलग प्राइस है। यही भैया अभी इनके पास नीचे देखो ये सूट लग रहा है, वही वाला काला वाला जो अभी हमने देखा, ये भैया मुझे बोल रहे थे 1800 रुपये का, ठीक है।
आपको हम 1500 रुपए का लगा देंगे, मतलब मुझे 1500 रुपए का लगा देंगे। वो तो भैया मुझे पहले वाले तो 1400 रुपए का ही दे रहे थे, इन्होंने बोला मुझे 1500 रुपए। इनको ये भी नहीं बोल पाई कि भैया आपकी दूसरी दुकान पे ये 1400 रुपए का बिक रहा है, बताओ कैसे। और भैया और दिखा रहे हैं, इनके पास बहुत सारे सूट हैं, बार्गेनिंग आप कर लेना, देख लेना, अगर आपको समझ में आता है तो आप यहाँ से हैवी सूट ले सकते हो। अमूल बोर्ड है ना, उसी के नीचे बैठे हुए हैं और उसी के ही आगे गली के अंदर ही सामने ही यहाँ पे ये भैया बैठे हैं। ये बच्चों के कपड़े 250-300 रुपए में दे रहे हैं, ये 200 रुपए की शर्ट दे रहे हैं और अच्छे कपड़े थे छोटे बच्चों के लिए। अब त्यौहार आ रहा है, दिवाली आ रही है, भैया दूज आ रहा है, तो आप यहाँ से छोटे बच्चों के लिए कपड़े ले सकते हैं, पूरा सेट है। बाकी ये लेस वाले भैया उन्हीं के सामने, इनके पास 2 रुपये से लेस शुरू है और आप जितनी भी हैवी चाहते हो लेस उस हिसाब से मिल जाएगी। सामने ये देखिए 2 रुपये से 10 रुपये 20 रुपये, मतलब मीटर के हिसाब से आपको ये भैया बता देंगे। तो आप इनसे जैसे भी आपको चाहिए, साड़ी पे लगानी है, सूट पे लगानी है, तो वो आप देख लेना, इनसे ले सकते हो। और ये भैया इनके पास बहुत ही बढ़िया वैरायटी होती है, ए क्लास वैरायटी होती है इनके पास बेडशीट की। तो ये 350 रुपये की बेडशीट दे रहे थे, अच्छी कॉटन के अंदर, बट इसके साथ पिल्लो कवर नहीं है, लेकिन पिल्लो कवर आप बाहर से ले सकते हैं। अगर आपको अच्छी कॉटन की बेडशीट चाहिए तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। भैया अभी आपको एड्रेस भी बता देंगे। ये 450 के पिल्लो कवर के साथ, वो 550 की सामने वाली, और यहाँ पर भैया ने बताया था ये शायद 350 रुपये की, यानी 300 रुपये की बताई थी ये भैया ने। ये मगर इसमें कलर वलर चला जाएगा, तो कुछ इसी तरीके की है ये, मतलब ठीक है ये, ऐसे बोल सकते हैं, चालू बेडशीट होती है ना वो है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आके देख लीजिए। और ये दीवान सेट था, ये 250 रुपये की दे रहे हैं, कलर बहुत अच्छे हैं, वैरायटी बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। बाकी भैया आप अपना एड्रेस बता रहे हैं, और कुछ दुकान मस्जिद के बराबर में, ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू भैया। बाकी मैंने देख लिया, तो अब आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। मैंने इसीलिए भैया से, उन्हीं से पूछ लिया था, अपना एड्रेस बता दो। उन्हीं के सामने ही पिल्लो कवर मिल रहे हैं, तो आप पिल्लो कवर ले सकते हैं। 100 रुपये के 4 भैया चार्ज कर रहे थे पिल्लो कवर का, मैचिंग से आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने आपको बिल्कुल सही चीज बताई है, बेडशीट में अगर आपको भैया मुझे सेट बताओ। और बाकी आप ये सब सोफों की है, कलर डिजाइन अलग अलग है, ये देखिए ये अलग डिजाइन है, रेड ग्रीन लाल ब्लैक व्हाइट सब मिल जाएंगे। इसमें भी है कलर 100 रुपए के, 100 रुपए के कान का भी है इसमें, चाय वाले, चाय वाले कान का भी है इसके अंदर की पेंडिंग छोटे ये भैया ये निकल गया है इस साइड में, ये इसके साथ ही वो एक उधर चला गया, उसका गिराया है ये इसके कान के गिर गया मैडम, छोटे छोटे कान के ध्यान से। और ये सारी नई वैरायटी है, पहले भी मैंने भैया को दिखाया हुआ, लेकिन इस बार ही थोड़ा अच्छा माल है, लेकिन वो 100 रुपये ही भैया चार्ज कर रहे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही सुंदर सुंदर सेट थे, अगर इस तरह के आप सेट पहनते हैं तो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से दे रहे थे। और ये तो भैया आंटी कमाल ही है, 200 रुपये की ये प्लेट दे रही थी, करवा चौथ की थाली, यही है ना, 110 रुपये की मिलती है सदर में, मेरी वीडियो देख लेना एक बारी जाके अगर आपको लेनी है तो। ये बाकी 20-20 रुपये के इस तरह के स्टिकर मिल रहे थे, और अगर आप सदर से लेके आओगे तो बहुत सस्ते हैं, तो आप देख लेना, अगर आपको लगता है यहाँ से लेने तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी ये भैया इनकी बता रहे हैं ये 150 रुपये के दो, और वो घंटी ये वाली 120 रुपये, और वो लाइक ये वाली 180 के 10 कुछ नहीं लगाना। तो ये आप देख लेना, आपको अगर लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। और बाकी 100-100 रुपये के इस तरह के दुपट्टे थे, और एक ये बीड़ी बम भैया ने बताया था, ये 150 रुपये का बताया भैया ने बीड़ी बम। फिर मैंने इनको बोला इसको खोल के दिखाओ मुझे, तो उन्होंने खोल के दिखाया, तो इसके अंदर माचिस होती है जिसके आएंगे 10 डब्बे,
माचिस की, तो वो माचिस के 10 डब्बे हैं। तो ये होता है, इसको ये बोलते हैं भैया बीड़ी बम। तो ये है बीड़ी बम। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो 150 रुपये में। तो ये दिवाली तक आपको भैया वहीं पे ही रहेंगे, तो आप देख लेना। बाकी 50-50 रुपये के साथ में भैया ये चम्मच दे रहे थे 12 पीस 50 रुपये के, तो यहाँ से ले सकते हो आप। और ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं 550 रुपये का। तो ये 5 से 10 साल के बच्चे तक के कपड़े हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनके लिए भी तो चाहिए होगा ना। बच्चों के तो मैंने, लड़कों के तो दिखा दिए, लड़कियों के भी दिखाने। तो मैं ये भैया अभी लगा ही रहे थे, तो भैया बोल रहे थे थोड़ी देर में आ जाना। मैंने बोला चल जितने उतने बना लेती हूँ। और ये 300-300 रुपये की यहाँ पर ये ड्रेसेस मिल रही थी, जो कि बहुत भीड़ होती, इस वजह से मैंने यहाँ पर देख नहीं पाई, सही से ना दिखा पाई आपको। तो मैं आगे चली गई, तो यहाँ पे ये 50-50 रुपये की सिल्वर ज्वेलरी, इस तरह की सिल्वर ज्वेलरी मिल जाएगी आपको 50-50 रुपये में। तो ये आप यहाँ पे ज्वेलरी देख सकते हो, ये देखिए पूरा अच्छा बड़ा झुमका था, जो कि 50 रुपये इसके भैया चार्ज कर रहे थे, 50-50 रुपये की मिल रही थी। कोई भी ज्वेलरी आप ले लीजिए, 50 रुपये भैया इसके चार्ज कर रहे थे। और आगे चलेंगे तो ये सूट्स की यहाँ पे वैरायटी थी, 350 रुपये की भैया सूट दे रहे थे। इसका ऑर्गेंजा का दुपट्टा है, मतलब वैरायटी बहुत अच्छी थी भैया के पास सूट्स की। 350 रुपये कोई भी ले लो, 350 रुपये मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे वैरायटी देख के। कलर भी काफ़ी सारे कलर थे और वैरायटी बहुत अच्छी थी, जिसपे वर्क भी था, CPO का वर्क भी था। ये देखिए इस तरह से हैवी सूट जो बोलते हैं वो भी थे, और अच्छे एलिगेंट सूट थे। तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। ये शायद डिस्पेंसरी है, उसके बिल्कुल सामने ही लगाते हैं भैया, साइड में दीवार के बिल्कुल सामने, डिस्पेंसरी की दीवार की। तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। और ये अब मैं डिस्पेंसरी के आसपास ही घूमूंगी, अंदर आओगे तो वहीं पे ही डिस्पेंसरी है, पूछ लेना किसी से भी, तो वहाँ पर ये भैया की शॉप मिल जाएगी। तो आप यहाँ से ये दिखा सकते हो, देखो कितनी सारी वैरायटी, और बहुत ही अच्छे कॉटन के सूट्स थे, बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। और यही डिस्पेंसरी की वो है वॉल, उसके साथ ही ये भैया बैठे थे, 450 रुपये का क्रेप का सूट दे रहे थे, और इस पे जो वर्क हुआ हुआ है मोतियों का, बहुत ही सुंदर, ये देखिए हैंड वर्क हुआ हुआ है इस पे, तो अच्छा था। शिफॉन का दुपट्टा था, पूरा सुंदर लग रहा था। बाकी ये आपको इस तरह से और मिल जाएंगी, ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये यहाँ पर आप आके यहीं से ही देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ये छोटे बच्चों के गर्म कपड़े थे, 160 रुपये की पूरी ड्रेस थी, 160 रुपये भैया चार्ज कर रहे थे। और अच्छे गर्म कपड़े थे, कॉटन का नहीं था, थोड़ा सा गर्म था, अभी ठंड जैसी शुरू हो गई है, तो उसमें आप इस तरह के कपड़े पहना सकते हैं। और ये भैया 1500-1500 रुपये की साड़ी चार्ज कर रहे थे, बाकी रेट आप अपने हिसाब से देख लेना। साड़ी बहुत सुंदर थी, और यहाँ पे ये ड्रेस मटेरियल भी था, जो 200 रुपये मीटर भैया चार्ज कर रहे थे। ये डाइएबल है, इनको आप लेके साड़ी भी बना सकते हैं, इनका लहंगा ड्रेस जो आपका मन करे वो बना सकते हो। तो आप यहीं पे आके देख लेना जैसा भी आपको चाहिए। ये 200-200 रुपये में शॉल अगले स्टॉल पे, तो आप शॉल चाहिए होंगे तो शॉल यहाँ से ले सकते हो। बाकी आपको शादियाँ शुरू हो रही हैं, तो आपको एनवेलप भी चाहिए होंगे, तो यहाँ से आप एनवेलप भी ले सकते हो, 100 रुपये के 4 पैकेट, जिस एक पैकेट के अंदर 15 पीस। तो ये यहाँ पर भैया चार्ज कर रहे थे 100 रुपये के 4 पैकेट। उसी के साथ ही भैया अब उन्हीं के साथ साथ ही हैं सब 600 रुपये का भैया सूट दे, मतलब चार्ज कर रहे थे, और सूट अच्छे थे। ये देखिए आपके सामने ये हैवी सूट भी था, क्रीम कलर का, मतलब अच्छा था, ऑर्गेंजा में है सूट, सुंदर लग रहा था। तो आपको वैरायटी मिल जाएगी इसमें। और बाकी ये 200-200 रुपये के यहाँ पे दुपट्टे मिल जाएंगे आपको, अच्छा दुपट्टा था, बहुत ही पूरा सिल्क का था, और मटेरियल भी रखा है वहाँ पर पीछे, जो कि 100 रुपये मीटर था। तो अगर आपको मटेरियल चाहिए तो मटेरियल भी ले सकते हैं, बड़े पन्ने का मटेरियल था, मतलब अर्ज जो होता है ना बड़े पन्ने का था वो, और जिसका बड़ा था, तो आप इसकी साड़ी भी बना सकती है, ड्रेस भी बना सकते हैं, या फिर इसका लहंगा बना सकते हैं। तो आप यहाँ से ले सकते हैं 100 रुपये मीटर। और आजकल ठंड शुरू हुई है तो गर्म सूट भी चाहिए होंगे हमें, तो ये 350-300 रुपये के भैया यहाँ पे चार्ज कर रहे थे।
जिस दिन मुकेश का वर्क हुआ हुआ है, तो 350 रुपये के आपको यहाँ पे सूट मिल जाएंगे और कलर भी बहुत सारे हैं और डिज़ाइन भी इसमें अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। और बाकी जो हैं उनके अलग अलग चार्ज हैं। ये साड़ियाँ मिल जाएंगी आपको, बनारसी साड़ी जो 200-200 रुपये की है, तो वो आप यहाँ पर आके देख लेना आपको किस तरीके से चाहिए। अभी करवा चौथ के लिए भी चाहिए होगी तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं कि बनारसी साड़ी आपको पीछे लगी हुई है यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये भैया की आप जरा थोड़ी सी सुन लो, मैं खोल के दिखा दूंगा। हाँ दिखा दीजिए एक बार आप भी। हाँ मेरे पास सब आते हैं, तरुण मंजू आप दिया कीर्ति ये ब्लाउज आएगा इसका, ठीक है दीदी। ये पूरी साड़ी ऐसे होगी कच्चू अलग अच्छा पूरी हैवी हो गई, केवल 550 रुपये की दुकान पे, मेरी दुकान पे कम से कम 4,500 रुपये की साड़ी। ठीक है आपकी दुकान कहाँ है? करोल बाग चीप सिल्क स्टोर है, दुकान का नाम है। अच्छा चीप सिल्क स्टोर, मेरी बहन वो लॉट में थे, लॉट में करोल बाग का लॉट का माल होता है वो था। अच्छा अच्छा करोल बाग में कहीं लगाते हो आप? मंडे 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 करोल बाग में, मंडे करोल बाग में कहाँ के सामने, मेरा संस के सामने। ठीक है मैकडोनल्ड से थोड़ा आगे आके मैं वहीं रहती हूँ ना इसीलिए पूछ रही हूँ। 250। और ये सूट है कि साड़ी है? ये राशिदा ये क्या कर दिया है? अके देख लो हैवी है साड़ियाँ, ये भी वही रेंज है, एकदम बढ़िया हैंडवर्क हुआ हुआ है, तो आप यहाँ पर आके भैया से दे सकते हैं। बाकी मैंने अपना सारा एड्रेस भी दे दिया, टिकट चोला में भी साड़ी बहुत ही सुंदर थी, देखिए 550-550 पश्मीना के ऊपर है प्योर में, और भैया इसका 2,000 रुपये चार्ज है। और ये प्योर में सूट है, ये भी देख लेना आप, उनके सामने ही शॉप है, ये भी आप यहाँ पे। ये साड़ी भी है क्या? साड़ी और ये ग्रीन का क्रेप के ऊपर, और ये वाला तो ये थी भैया की शॉप, इसमें भी अच्छे अच्छे सूट हैं, इसको भी आप यहाँ पर आके एक बार ही ट्राई कर सकते हो। और भी वैरायटी है इनके पास, तो ये अंदर लगे हुए हैं आप ये देख लेना। और ये मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस भी थी और प्योर में सूट्स हैं, तो अगर प्योर में आप लेना चाहते हैं तो प्योर में यहाँ से आप ले सकते हो। ये देखिए सुंदर सी एक गाउन थी, ये 2500 की भैया चार्ज कर रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रही थी, अच्छी हैवी गाउन। शादियों का सीज़न शुरू हो गया है तो आप यहाँ से ये ले सकते हो गाउन, इसमें कलर भी भैया ने और दिखाए थे, तो ये आप यहाँ पे देखो। और अच्छे बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े थे, बहुत ही बढ़िया 2500 में आपको लहंगा मिल रहा है, एकदम पार्टी वेयर पूरी हैवी चोली के साथ, और एकदम ऑर्गेंजा का ये लहंगा है, पूरा अच्छा बना हुआ है सुंदर कलियों वाला, तो अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो आप यहाँ से ले सकते हो, इस तरह के आपको सूट्स मिल जाएंगे 2,000-2,500 की रेंज में। बाकी आप बार्गेनिंग करा लेना, बार्गेनिंग भैया कर देंगे। और ये माय कलेक्शन है इनकी शॉप का नाम, तो आप यहाँ पे पूछ के आ सकते हैं माय कलेक्शन पे अच्छे हैवी सूट्स के लिए। तो यही सामने पता नहीं ये कॉलेज है कि क्या है, तो ये मेरे को पता नहीं, बाकी आप नाम से आप आओगे तो आपको शॉप मिल जाएगी। 550-550 रुपये की ये हैवी सूट है, अगर इस तरह के आपको सूट पसंद हैं अच्छे लगते हैं या गिफ्ट के लिए चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, 550-550 रुपये में अच्छा हैवी सूट मिल जाएगा आपको। बाकी ये भैया की शॉप है, एक ये देख लो और इसके अंदर चलेंगे अभी हम। मैं पहले आपको नाम दिखा देती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो ये मैं दोबारा से आपको नाम दिखा रही हूँ। तो ये भैया के पास आप अंदर जाओगे, इन्होंने 650 के अंदर ऑल सूट लगा रखे हैं, कोई भी आप लो 650। क्रेप में है, कॉटन के अंदर है, जॉर्जेट के अंदर है, और अच्छा हैवी दुपट्टे के साथ है, दुपट्टा प्लेन नहीं है, दुपट्टे पे भी वर्क है। इनके बहुत भीड़ थी शॉप के अंदर तो अच्छे से भैया बात नहीं कर पाए, तो भैया ने बोला आप वैसे ही दिखा दो, जो भी सूट है वो जो भी सूट लोगे वो 650 का आपको मिलेगा। तो आप जिस भी तरह का आपको सूट चाहिए, जिस भी कलर में आपको चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और कलर और भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आके
कलर भैया और दिखा देंगे। अगेन ये 100-100 रुपए के यहाँ पे पर्स दिखेंगे आपको। इस तरह के आप पर्स वेयर करते हो तो आप ये पर्स भी ले सकते हो यहाँ पे 100-100 रुपीस के अंदर। बाकी अगेन ये फिर से आपको 350-300 रुपए में सूट मटेरियल मिल जाएगा जो कि गर्म है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो ये गर्म सूट मटेरियल मिल जाएगा। मुकेश का वर्क है पूरे पे, तो इस तरह का सूट आप सर्दी में बनवा सकते हो लेके। और ये थ्रेड का भी वर्क था, किसी किसी पे थ्रेड वर्क भी हुआ हुआ था, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो भी पसंद है आप यहाँ से ले लेना। ये इनकी कलेक्शन का नाम लिखा हुआ है, आयशा कलेक्शन। तो आप मतलब ये दुकानें डेली खुलती हैं, आप कभी भी आके यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये डेली खुलती हैं दुकानें, ये थर्सडे को ही नहीं खुलती, सब दिन खुलती हैं। और ये अलग कलेक्शन है, इनका नाम लिख दिया है मैंने, पोशाक कलेक्शन। यहाँ पे हैवी आपको लहंगाज मिल जाएगा। अगर आपके घर में शादी है या ब्राइडल के लिए लहंगा चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको लहंगा अच्छी मतलब अच्छे रेंज में मिल जाएगा। ये देखिए कितना हैवी है पूरा, और कलर कॉम्बिनेशन भी और मिल जाएगा। वही 6,000-7,000 इस रेंज के अंदर आपको हैवी लहंगा मिल जाएगा। ये देखो पूरा ब्राइडल के लिए लहंगा, आपको वर्क भी दिखाती हूँ, स्टोन वर्क हुआ हुआ है पूरे पे और वेलवेट पे मतलब बना हुआ है ये। तो यहाँ पर वैरायटी सूट्स की भी वैरायटी है, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो, हैवी सूट्स ले सकते हो, हैवी लहंगाज मिल जाएगा आपको। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हो। शादी की अगर शॉपिंग कर रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हो। एक ये भैया ने गाउन दिखाया था, ये भी बहुत सुंदर था, और ये शायद भैया 1500 रुपये इसका चार्ज कर रहे थे। अच्छा लिंकल वाला कपड़ा है, नीचे घेरे पे और चोली पे पूरा वर्क है, और नीचे पैनल पे भी वर्क है। तो आप यहाँ पे आके अपनी शादी की शॉपिंग कर सकते हो। और सामने ही भैया बैठे थे जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे डायमंड के इयररिंग है या डायमंड के पेंडेंट सेट यहाँ पर मिल रहे थे। तो एडी में बने हुए थे, बहुत ही सुंदर थे, और इनके रेट 200-250-150-100 और ये 50-50 रुपए की। ये मंगलसूत्र मतलब डायमंड का लुक दे रहे थे बिल्कुल। आप यहाँ पर एक बारी ज़रूर देखना। आप इस तरह की मार्केट में अगर जो वीकली खुलती है ना उसमें एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको इस तरह की ज्वेलरी आजकल बहुत चल रही है और ये होते भी हैं वहाँ पर, थोड़ा सा आपको घूमना पड़ेगा, ये मिल जाएंगे। ये लोग बैठे होते हैं मतलब इस तरह की ज्वेलरी लेके, ये आप मतलब वही नहीं कर पाओगे कि जज की ये डायमंड के हैं कि ये मतलब जरकन के हैं। एकदम बढ़िया एडी में बना हुआ था। और ये आंटी बैठी हुई थी, इन्होंने 200-250 रुपये 150 रुपये बैंगल के रेंज बता रही थी, और वही सेट के अंदर रेंज है सेम 200-250-300। तो आप अपने हिसाब से देखना। ये मेरे को अच्छा लगा था, थोड़ा हैवी था, रानी हार जैसा लग रहा था, तो वही 200-250-300 मैंने एक प्राइस डाल दिया है यहाँ पे 250। बाकी रेंज सबकी अलग अलग है, तो आप अपने हिसाब से देखो। आपको हैवी चाहिए तो वो अलग रेंज होगी, और थोड़ा सा लाइट चाहिए तो उसकी कम रेंज होगी। और बैंगल में भी अच्छे जड़ाओ बैंगल भी थे, ये देखिए बिल्कुल रजवाड़ी वाले, तो वो भी देख सकते हो आप। अगर इस तरह के हैवी बैंगल लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। और ये भैया के पास साड़ियाँ थी 800 रुपये में हैवी साड़ियाँ, जो कि आप बाहर कहीं अच्छी दुकान से लेते हो तो वो रेंज आएगी महंगी, आपको 2,500-3,000 रुपये से कम नहीं आएगी। यहाँ पे हैवी साड़ी जो 800 रुपये की, और जो थोड़ी सी कम हैवी होगी ना वो 400 रुपये में यहाँ भैया चार्ज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हैवी साड़ी भी, और थोड़ी सी कम जो हैवी होती है वो वाली साड़ियाँ भी देख सकते हो। ये बहुत हैवी थी ये साड़ी, ये देखिए पूरा स्टोन वर्क बीट वर्क हुआ हुआ, ये देखिए पूरा एकदम अच्छे से मैं आपको दिखा रही हूँ इसको। तो आप इस तरह की अगर साड़ी चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी 50-50 रुपये में आपको ये दुपट्टा मिल जाएंगे, सिल्क में दुपट्टा मिल जाएंगे 50-50 रुपये की। इनकी लेंथ तो उतनी है लेकिन चौड़ाई में थोड़े से कम होंगे, अच्छे हैं। अगर हाँ बड़े दुपट्टे होते हैं तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इस तरह के दुपट्टे भी चल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्शी कलेक्शन पे आपको यहाँ पे ये दुपट्टे मिल जाएंगे, और कलर काफ़ी है इसके अंदर।
तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। बाकी यहीं से ही मैं बाहर निकल रही हूँ, बाहर निकलते ही ये बाहर रोड मतलब जो अंदर आने वाली रोड है उसी पे आ गई हूँ मैं। तो 50-50 रुपए के यहाँ पर दुपट्टा मिल जाएंगे आपको नेट के। और ये देखिए भगदड़ मची हुई थी फुल, क्योंकि पुलिस वाले बिल्कुल मार्केट लगने नहीं दे रहे थे। ये बीच में ही पोचे वाले भैया मिल गए, 100 रुपए के 6 पीस बड़े पोचे, और ये 50 रुपए के छोटे वाले 4 दे रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सारे लोग जो बाहर लेते हैं सामान वो सब अंदर जा रहे थे, तो अंदर की साइड ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये देखो खाली है दोनों तरफ, कहीं दुकानें नहीं लगी हुई हैं, बहुत ही बुरा हाल हो रखा था अंदर तो, और यहाँ पर एकदम खाली खाली। जो लगी हुई थी शुरू में जो मैंने दिखाई थी वो भी पुलिस वालों ने हटा दी, क्योंकि बिल्कुल नहीं लगने दे रहे थे। ये देखिए पूरा कैसे हो रहा है, ऐसे इधर उधर बिलक रहे हैं सब लोग, क्योंकि मार्केट नहीं लगी हुई है ना तो। और ये मेट्रो स्टेशन के नीचे भी मार्केट नहीं लगी हुई, पूरी खाली पड़ा था। तो अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना।